मैं सिर्फ इन्हें ही कहूंगा जज साहब, जे तुसी ये चाहते हो कि कोई शरीफ इंसान अपने हथाच कानून ना लवे ते फिर थाया नू करां दे नेड़े कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। सुल्ताने दी बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं और इहदा रिव्यू करांगा और तुहानू दसांगा कि सुल्तान राज दीआं फिल्मां कितनियां जबरदस्त होंदियां ने। अज जिहड़ी फिल्म मैं लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं उस फिल्म दा नाम है सांझी अतकड़ी। 3 अक्टूबर 1986 बरोज जुमा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म सांझी अतकड़ी। इस फिल्म का मौजू है एक्शन, लड़ाई, मार कुटाई, कत्लो गारत, पुलिस मुकाबला और इंतकाम। इस फिल्म के अदाकारन सुल्तान राई, अंजमन, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, जुमरद, मोहम्मद जुबैर, बहार बेगम, आगा तालश, अदीब, नसरुल्ला भट्ट ते जमील फखरी। हदायत एम अकरम, फिल्म साज एम अकरम, एदे लिखारी नासर अदीब ते एदा म्यूजिक दिता है नज़ीर अली ने। नाजरीन इस फिल्म के अंदर सुल्तान रई ने डबल रोल किया है, यानी कि पहले प्यो होंदा है और उस दू बाद पुत्र होंदा है। इस फिल्म के अंदर नादर, गामू ते अफजल ए तीन दोस्त होंदे जिहड़े कट्ठे स्कूल ही पढ़ते हैं। तीनों लायक बच्चे होंदे हैं और जिहड़ा अफजल होंदा है उसका वालद जिहड़ा होंदा है वह वकील होंदा है ते जिहड़ा नादर का प्यो होंदा है दिलबर वह एक बदमाश होंदा है और कतलो गारत उहदा पेशा होंदा है। नादर ते मजबूर करन दे उहदा प्यो बदमाशी छड़ देंदा है। तो मैं तेनू अपनी बदमाशी ते बंदूक खैरात करना, पर एक गल मेरी याद रखी, खैरात इस दित्ती नादर उहदी रैफल जमीन विच दफन कर देंदा है। अफजल अगवा हो जांदा है और जदों नादर नूं पता चलदा है कि अफजल अगवा हो गया है तो अपने प्यो की रैफल कढ के आंदा है। उहनूं खानू अदीब ने अगवा किया होंदा है और दिलबर उन्हां दे नाल मुकाबला करके अफजल नूं छुड़ा लैंदा है और उस दौरान उहदे कोलों कतल हो जांदा है और अदालत दी केस चलदा है, अदालत उन्हूं सजाए मौत दे देंदी है। बार बेगम ने इस फिल्म के अंदर सुल्तान राई की वालदा का किरदार अदा किया है और सुल्तान राई दीआं दो भैणां भी आउंदियां ने। सुल्तान राई दो एक मुजरम और बदमाश बन जांदा है। खानू दादा अदीब चंद गुंडों नाल आ के नादर दी भैण दी इज्जत लुटण दी कोशिश करदा है। नादर दी भैण खुदकुशी कर लैंदी है और नादर दे हथों एक कतल हो जांदा है। कतल होण तों बाद उहदी वालदा उहनूं घरों कढ देंदी है। घरों कढ़न तों बाद उह मकान भी छड देंदी है ताकि नादर दे नाल किसी किस्म दा उहदा तलक ना रहे। पुलिस नादर नूं गिरफ्तार कर लैंदी है और गिरफ्तार करन तों बाद नादर जेल चला जाता है, जेल तो रिहा होता है। अंजमन ने इस फिल्म के अंदर शमो बाई का किरदार अदा किया है जिड़ी कि मुजरे करती है और शेरू जड़ा शेरू का किरदार अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने अदा किया है। शमो बाई नू पुलिस इस वजह तो गिरफ्तार कर लेंदी है कि शमो बाई अंजमन अपना जिहड़ा कोठा है वह टाइम पर बंद नहीं करती। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेंदी और शेरू मुस्तफा कुरैशी उसकी जमानत कराता है और इस जमानत के बदले वह ये चाहता है कि शमो बाई उसकी बैठक ही मुजरा करे। नादर ते शमो दूसरे नाल प्यार करते हैं, नादर उन्हें मना करता है लेकिन लड़ाई होती है और नादर इन्हों की सुलह कराने वास्ते झगड़ा खत्म कराने वास्ते मुजरा करती है। काम सानू इतला देना सी, इन्नी ज्यादती ना करो साहब बहादुर, नहीं तो बदमाशी जुए खानिया चो निकल के तुहाडे थाने तक पहुंच जाएगी। नादर नूं गुस्सा आता है और शेरू दसदा है कि वह बदमाश किस तरह बढ़िया, वह एक शरीफ इंसान सी। आगा तालश ने इस फिल्म के अंदर शेरू बदमाश के जिहड़े वालद का किरदार अदा किया है। शेरू एक शरीफ इंसान होंदा है लेकिन अपनी बीवी के कतल तो बाद बदमाश बन जाता है और उसका प्यो उन्हें घरों काट देता है। तुसी आम फिल्मां देखिया होगा कि जिहड़ी भाई है वह किसे नाल प्यार करती है और प्यार करन तो बाद वह मुजरे छड देती है और एक शरीफाना जिंदगी गुजारती है। सेम इस तरह की कहानी है। नादर के कहने पर शमो बाई मुजरा छोड़ देती है और मुजरा छोड़ के वह शरीफाना जिंदगी गुजार शुरू कर देती है। उसकी मुलाकात नादर की माँ नाल होती है, उसके नाल एक धी होती है और
ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਾਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਸ਼ਮੋਬਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਗਾਮੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਚਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੁਚਵਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਇਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਗਾ ਤਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾਨੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਨੂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਾਨੂ ਕੋਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ ਮੁਸਵਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਹੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅੰਜੁਮਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਲਾਗ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਜੁਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।